दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वीके सिटीजन में और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डी सर्टिफिकेशन के बारे में और ये काफी इम्पोर्टेंट है और आज हम इसमें कवर करेंगे इसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉज ऑफ डी सर्टिफिकेशन, एफर्ट्स ऑफ डी सर्टिफिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ डी सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन डी सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों जो डी सर्टिफिकेशन है वो 1949 में फ्रेंच फॉरेस्टर ऑब्रीवेल थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था। और जो डी सर्टिफिकेशन है ये कहाँ से आया है, डी सर्टिफिकेशन डिजर्ट वर्ड से लिया गया है और डिजर्ट वर्ड का मतलब होता है रेगिस्तान। और दोस्तों डी सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी एक क्रॉप लैंड यानी एक उपजाऊ ज़मीन जब बंजर में बदल जाएगी यानी डिजर्ट में बदल जाएगी तब हम बोलेंगे कि वो एक डी सर्टिफिकेशन हो गया है, यानी एक उपजाऊ ज़मीन का बंजर ज़मीन में बदल जाना डी सर्टिफिकेशन कहलाता है, ये बात होगी। और दोस्तों जो डी सर्टिफिकेशन है वो मेनली ड्राई लैंड्स में आता है, ड्राई लैंड्स का मतलब है जहाँ जो सूखा पड़ा हुआ होता है लैंड वहाँ पे, यानी उस सूखे लैंड को यानी उस सूखी ज़मीन को, उस बंजर ज़मीन को ही डी सर्टिफिकेशन कहा जाता है। और दोस्तों मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ जैसे एक रेगिस्तान है यानी एक बंजर ज़मीन है वो बढ़ती जा रही है यानी उस ज़मीन का बड़ा होना एक्सपैंड होना वो डी सर्टिफिकेशन नहीं होता है। डी सर्टिफिकेशन का मतलब है एक क्रॉप लैंड यानी एक उपजाऊ ज़मीन जो अभी उपजाऊ है लेकिन वो आने वाले टाइम में बाद में वो डिजर्ट में बदल जाती है यानी एक बंजर ज़मीन में बदल जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डी सर्टिफिकेशन। और दोस्तों हम डेवलपिंग कंट्री में देखें अगर जैसे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों यही बात, जो इतने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और हमारे देश में जितना लैंड है जिसमें खेती करी जाती है उन पे बहुत प्रेशर है और यही प्रेशर आगे डी सर्टिफिकेशन का कारण बनता है। और दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जैसे शहरों का और विकास होता जा रहा है यानी उसके वजह से जंगलों को काटा जाता है, बहुत से खेतों का भी यूज़ किया जाता है जिससे अर्बनाइजेशन बढ़ाई जाए यानी लोग रहें वहाँ पर घर बनाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। और दोस्तों इसके वजह से क्या होता है एक चीज़ और कि वो सूटेबल नहीं होती यानी वो जो डी सर्टिफिकेशन की बात करूँ अगर वो किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं है क्रॉप के लिए कि वहाँ पे हम खेती कर सकें, वो ज़मीन फिर बाद में हम यूज़ में नहीं लेके आ सकते। और दोस्तों एक बात और, अर्थ की 1/3 जो लैंड है, पूरे अर्थ का जो 1/3 लैंड है वो अफेक्टेड हो रखा है बाय डी सर्टिफिकेशन और इसमें अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रखी है बाय डी सर्टिफिकेशन। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, मैं आपको तीन ऐसे डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको कोई भी अच्छी लगे आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, डी सर्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट्स। दोस्तों मैं आपको इसका मतलब अभी बाद में बताऊँगा। और दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ मे बी डिफाइंड एज वेन क्रॉप लैंड कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट्स देन इट इज़ नोन एज डी सर्टिफिकेशन। और थर्ड डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हैबिटेबल लैंड इंटू डेजर्ट देन इट इज़ नोन एज डी सर्टिफिकेशन। दोस्तों इन तीनों डेफिनेशन का एक ही मतलब है, एक ऐसी ज़मीन यानी एक ऐसी ज़मीन जो कि उपजाऊ है यानी क्रॉप लैंड है जब वो कन्वर्ट होगा इंटू डेजर्ट में तब हम बोलेंगे कि वो एक डी सर्टिफिकेशन है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ डी सर्टिफिकेशन यानी डी सर्टिफिकेशन का कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, पुअर इरिगेशन, माइनिंग एंड ड्रॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। दोस्तों लोगों के द्वारा बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके जैसे कि फूड, शेल्टर एंड वुड। इन नीड्स को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं और इसके वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि लॉस ऑफ वाटर, सॉइल इरोजन, ऐसी और भी तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। और दोस्तों उसके बाद है ओवरग्रेजिंग। दोस्तों ओवरग्रेजिंग भी बड़ा बेकार, बहुत ही घटिया एक तरह का वो है, जैसा कि आपने सुना होगा ओवर कॉन्फिडेंस,
यानी जो भी अगर कोई पर्सन है अगर उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसका पूरी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। ठीक उसी तरह से ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बेकार होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चराना, जैसे कि पशुपालन जो होता है, जो पशुपालन करते हैं अपने पशु को चराने लेके जाते हैं, वो ओवर यानी ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, ज़्यादा जितना उनको चराना चाहिए अपने पशु को वो उससे ज़्यादा चरा देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं वो डिसर्टिफिकेशन का कारण बनता है। और दोस्तों उसके बाद है ओवर कल्टिवेशन, और दोस्तों ओवर कल्टिवेशन में भी आप एक वर्ड आ रहा है ओवर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि जुताई करना। तो दोस्तों अगर ओवर कल्टिवेशन होगा उसके वजह से भी क्या होगा डिसर्टिफिकेशन इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है पुअर इरीगेशन, दोस्तों इरीगेशन का मतलब होता है खेत में पानी देना, अगर खेत में पानी देने की टेक्निक यानी जो प्रोसेस होता है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचता है। और जिस तरह से ये वर्ड है पुअर इरीगेशन, यानी अगर ऐसा हो जाए वो पाइप के थ्रू खेतों में पानी दे रहा है लेकिन उस पानी का फ्लो कितना है वो यही नहीं चेक कर रहा है कि उस पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है, अगर उस पानी का फ्लो बहुत तेज होगा तो उसके वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी खेत की, मतलब क्रॉप को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके वजह से ही जो वो प्रॉब्लम आएगी वो आगे चल के डिसर्टिफिकेशन में बदल सकती है। और दोस्तों नेक्स्ट है माइनिंग, माइनिंग का मतलब दोस्तों होता है खुदाई करना, जैसे कि मेनली अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है यानी बहुत ज़्यादा खुदाई होती है जिससे कि उनको मिनरल्स मिल सके, कोयले के लिए भी ऐसा करा जाता है, तो ये खुदाई की वजह से भी डिसर्टिफिकेशन की इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट का दोस्तों मतलब होता है सूखा पड़ना, यानी सिंपल सी बात है जो ज़मीन अगर वहाँ पे बारिश नहीं पड़ रही है, मान के चलो किसी एरिया में बहुत दिनों से बारिश नहीं पड़ रही है तो वो ज़मीन क्या होगा वहाँ पे सूखा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से क्या हो जाएगा वहाँ पे डिसर्टिफिकेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसर्टिफिकेशन, यानी डिसर्टिफिकेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इसमें सबसे पहला है लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी, यानी लैंड की फर्टिलिटी का लॉस होता है, लॉस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पीने का पानी होता है उसमें लॉसेस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस आते हैं जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं उसमें भी लॉसेस होते हैं, किसकी वजह से डिसर्टिफिकेशन की वजह से, और इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इससे, और फूड का भी इससे नुकसान होता है यानी खाने का भी इससे नुकसान होता है। जैसे कि अगर हम सिंपली देखें अगर कोई ज़मीन है जब वो बाद में बंजर बन जाएगी सोचिए कितना नुकसान होता है, उस ज़मीन से हम कितने खाने पीने के सामान जो है वो वहाँ पे बोए जाते थे, वहाँ पे खेती होती थी उनकी, और अगर वो ज़मीन बंजर हो गई है तो कहीं ना कहीं हमको खाने का जो है वो भी नुकसान होगा यानी फूड का लॉस होगा हमको। और दोस्तों इससे बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी यानी बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी इसमें क्या होता है फूड चेन डिस्टर्ब होता है, डिसर्टिफिकेशन की वजह से फूड चेन डिस्टर्ब होता है। और दोस्तों नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ डिसर्टिफिकेशन, यानी डिसर्टिफिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी प्रिवेंशन अपनानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिसके वजह से पॉल्यूशन कम होगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो सोयल है उसकी पावर और इंक्रीज होगी। और दोस्तों हमें वाटर को सेव करना चाहिए और उसको रीयूज़ भी करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए कंजर्व करना चाहिए जो हमारा ऑलरेडी वेजिटेशन सिस्टम है उसको कंजर्व करना चाहिए, और क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं उस पर रिड्यूस करना चाहिए, हमको कंट्रीब्यूशन जो है होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए, और हमको सोलर पावर यूज़ करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज़ करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये भी करना चाहिए कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए चाहे वो लाइटिंग के थ्रू हो, हीटिंग के थ्रू हो या फिर कूलिंग के थ्रू हो, मेन पर्पस है कि एनर्जी भी सेव करनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, यानी जो खेती जब हम करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग होनी चाहिए उसमें, जिससे कि क्या होगा जो सोइल के न्यूट्रिएंट हैं वो डिप्लीट नहीं होंगे, और जो हम इरिगेशन प्रोसेस करते हैं मेनली जो फार्मर उसमें उनको चेक करना चाहिए कि जो वाटर फ्लो हो रहा है जब वो इरिगेशन प्रोसेस करते हैं तो उसका जो वाटर फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कहीं डैमेजेस तो ना हो जाए, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए चाहे वो हर्बल प्लांट्स हो, और पेड़ों को भी लगाना चाहिए जिससे कि क्या होगा वो क्या करेंगे वो सोइल को बाइंड कर देंगे यानी पकड़ मजबूत हो जाएगी सोइल की।
और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को भी लगाना चाहिए, लेकिन वो पेड़ 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, यानी राइट एंगल पे होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो विंड को ब्रेक करेंगे। अब ये बात मैंने क्यों बोली, बिकॉज ऑफ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में, साइक्लोन आया था, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब डैमेजेस हो गए थे। अगर ये पेड़ वाला सिस्टम वहाँ पर होता है, यानी 90 डिग्री एंगल पर जो पेड़ होते हैं, अगर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते, तो शायद वो जितने वो डैमेज हुआ है उसको वो ना होने देते, बहुत कम ही डैमेज होता है वहाँ पर। और दोस्तों अब इसी के साथ हम लास्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन डिसर्टिफिकेशन। इसका मतलब दोस्तों है, जब ये डिसर्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम आई पूरी कंट्री के सामने, यानी पूरे वर्ल्ड के सामने, तो क्या उन्होंने क्या एक इंटरनेशनली एफर्ट्स लगाया उन्होंने अपना, तो उन्होंने एक यानी पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, यानी UNCCD। और दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया 17 जून 1994 को, और हमारा देश भारत इसमें ज्वाइन हुआ 14 अक्टूबर 1994। और दोस्तों जब ये सब कुछ बन गया, उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसने अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया 17 मार्च 1997। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा, कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। तो सबसे पहला जो इनका प्रिवेंशन जो प्रोग्राम था वो है प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और दूसरा इन्होंने प्रोग्राम निकाला रिक्लेमिनेशन ऑफ डिसर्टिफाइड लैंड, और जो तीसरा इनका प्रोग्राम था वो था रिहैबिलिटेशन ऑफ पार्टली डिग्रेडेड लैंड। दोस्तों तो और भी इसी तरह से फिर जो इंटरनेशनली सब ने मतलब एकजुटता दिखाई, और उसके बाद इसके अगेंस्ट यानी डिसर्टिफिकेशन को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लाना शुरू कर दिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।